धर्म प्रेमी साधकों को हमारा नमस्ते जी। मैं प्रहलाद ठाकर, मैं प्रीति ठाकर, निवासी वडोदरा गुजरात से आप सभी को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर के पास निर्माणाधीन जो कि पूज्य आचार्य ईश्वरानंद जी के सानिध्य में आश्रम बन रहा है, वहां पर सच्चे ईश्वर को सही मार्गदर्शन में सही विधि से जानने के लिए, अनुभव करने के लिए और ईश्वर द्वारा दिए गए मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए एक भूमि तल ग्राउंड फ्लोर पर कुटिया बुक करवाई है। ये प्राकृतिक रमणीय स्थान पर हमने नवंबर 2021 में विवेक वैरागी योग साधना शिविर में भाग लिया था। तब ये सुंदर स्वच्छ नर्मदा नदी के तट पर ध्यान करके प्रसन्नता का अनुभव किया था और सच्चे ईश्वर की सही विधि से उपासना करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। तब से मन में यहाँ रहकर बाकी शेष जीवन ईश्वर को जानने के लिए जिस महान चेतन सत्ता ने ये सृष्टि बनाई है, उनको पूज्य आचार्य ईश्वरानंद जी के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करते हुए इस जीवन को सफल बनाने का निश्चय कर लिया था। हम सभी आचार्य जी के सानिध्य निर्देश में आप अपना जीवन सफल बनाने का प्रयास करें। घर में रहते हुए जो वातावरण आश्रम में मिलेगा, जैसे कि मौन का पालन करना, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, समय का पालन करना, प्रातःकाल जल्दी से उठना, ये सब कठिन होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। इसलिए आश्रम में रहते हुए वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए हम सब पूर्ण प्रयास करें। वहां पर हमारे स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, वो हमने प्रत्यक्ष शिविर में अनुभव किया था। शुद्ध खान पान रहता है, जैसे कि शुद्ध देसी गाय का घी दूध, कच्ची घानी का सिंग तेल, सेंधा नमक, ऑर्गेनिक गुड़ और बुरा का प्रयोग चीनी की बजाय होता है। इसलिए शरीर स्वस्थ रहते हुए हम साधना कर सकते हैं, ये हमारा अनुभव है। हम सब इस वैदिक धर्म की रक्षा के कार्य में तन मन धन से सहयोग करके पुण्य के भागी बने। हम बेंगलुरु था आध्यात्मिक विषयाः मह्यं बहुधा रोचन्ते। आबहोः कालात् यूट्यूब माध्यमेन अनेकानि स्फूर्तिदायक प्रवचनानि श्रूयमाणा अहं महतीं प्रेरणां प्राप्तवती। यथासमयं आदरणीय आचार्यवर्य ईश्वरानन्द महोदयस्य सम्पर्केण अस्य ध्यानकुञ्ज आश्रमस्य आवासस्य बहुमूल्यावसरः प्राप्तः। अत्र आश्रमे अस्य मम जन्मनः काचित् वा सार्थकता भवति इति विश्वसिनि। एतदर्थं भगवते अपि च आचार्याय अपि कोटिशः धन्यवादान् समर्पयामि। भवन्तोपि अस्य अवसरस्य लाभान्विताः भावं ईश्वरप्राप्तेः सत्कारस्य भागिनः भवन्तु इति मम निवेदनम्। धन्यवादः। ओम ओम। सादर नमस्ते जी। मैं पद्मा हूँ बैंगलोर से। दर्शन योग महाविद्यालय की मैं विद्यार्थिनी हूँ। अनेक स्वामी जी तथा आचार्यों से थोड़ा विद्या प्राप्त की हूँ। अभी 1.5 वर्षों से आचार्य ईश्वरानंद जी के प्रवचन सुन रही हूँ, इससे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। गुरुओं के सानिध्य में अध्ययन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। परमात्मा परमेश्वर की कृपा तथा आचार्य ईश्वरानंद जी से ऐसा ही एक अवसर मुझे लब्ध हुआ। इस उपलब्धि के लिए मैं परमेश्वर तथा आचार्य ईश्वरानंद जी को अत्यंत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आश्रम की अनेक योजनाएं हैं, जिनमें गौशाला, यज्ञशाला, अतिथि गृह निर्माण तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था आदि। आश्रम की उद्देश्य है कि मानव की अध्यात्म उन्नति तथा वेद परंपरा की संरक्षण। आपसे मेरी विनंती है कि आप भी
इस परियोजना में सम्मिलित होके आश्रम निर्माण सफलता में सहयोग दे तथा ईश्वर कृपा प्राप्त करे। धन्यवाद। मैं मंजुला निमा, जबलपुर, आयु 62 वर्ष, शिक्षा BA। हमने ध्यान कुंज आश्रम से हम क्यों जुड़े, यहाँ कुटिया क्यों बुक की, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मन में एक इच्छा थी, मन में एक विचार था कि वैदिक आश्रम में कुटिया हुए। हमें जैसे ही ध्यान कुंज आश्रम परियोजना का पता चला, हमने जल्दी यहाँ पर कुटिया बुक कर दी। उद्देश्य था कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम चाहकर भी ध्यान उपासना व आर्ष तंत्रों का स्वाध्याय उतना नहीं कर पाते जितना इस आश्रम में रहकर कर सकते हैं। यहाँ आत्मा के उत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ यज्ञशाला, अतिथिगृह व गुरुकुल जैसा वातावरण होता है। प्राकृतिक छटा होती है। शांत व सुरम्य वातावरण में हम ईश्वर का सामीप्य महसूस करते हैं। यहाँ शहर से दूर और कोलाहल से मुक्त वातावरण होता है। हम दर्शन इस आश्रम में रहकर दर्शन व उपनिषद, व्याकरण आदि ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। हम सांसारिक दायित्वों से थोड़े समय के लिए अलग रहकर अपने पुण्य कर्माशय को बढ़ा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में हम बहुत कार्य करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें काबिल बनाते हैं, उनकी शादी ब्याह करते हैं, अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। लेकिन इस आश्रम में रहकर यज्ञ करना, ध्यान करना, वैदिक विद्या को प्राप्त करना, इन सब का एक अलग ही सुख है, जो कि आत्मा का सुख है, आत्मा के उत्थान का सुख है और सुख है। हम इस तरह से अपने निश्रेष को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि ध्यान कुंज आश्रम से जुड़िए, यहाँ पर कुटिया बुक कीजिए और अपना सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार राठौड़, मेरी उम्र 49 वर्ष है और मेरी शिक्षा है MA हिंदी साहित्य। मैं शिक्षक हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बासुआ, टीचिंग जॉब में। मेरी पत्नी भी शिक्षिका है और यह जो एक दिव्य आप देख रहे हैं प्राकृतिक वातावरण जो यहाँ पर भूमि क्रय की गई है ध्यान कुंज आश्रम के लिए, तो इससे जुड़ने का एक ही कारण है कि मैं इस जगह पर हर तीसरे दिन या चौथे दिन नर्मदा किनारे आते रहता हूँ, ध्यान योग साधना करते रहता हूँ। आज ईश्वरानंद जी की एक दिव्य सोच सत्य सनातन में परिवर्तित हो गई है और सभी का इसमें बिल्कुल वैचारिक मत और आर्थिक तन मन धन के साथ में सहयोग हुआ है, तो यह और भी प्रखर पुंज के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। आप सभी से एक ही अपील है कि इस दिव्य पावन पवित्र वातावरण में जब ध्यान कुंज आश्रम का निर्माण होगा और ईश्वर परमपिता परमेश्वर का आह्वान एवं हवन होंगे और जो सामग्रियां उन्हें अर्पित की जाएगी, उस वातावरण परिसर में हमारा रहने का बड़ा ही सौभाग्य है। तो बस यही कि हमारी साधना परमपिता परमेश्वर में पूर्ण हो जाएगी। इन्हीं भावों के साथ आप सभी को सादर नमस्कार। अतः आप सभी यहाँ पे सादर आमंत्रित पधारें। धन्यवाद। मैं आचार्य ईश्वरानंद जी को सादर नमन करता हूँ तथा उन्हीं के भागीरथी प्रयासों से एक अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हम सब ध्यान कुंज आश्रम परियोजना के आहूर्तिकर्ता गण, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। मैं हरि सिंह भदौरिया कटनी नगर का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश के कटनी नगर का निवासी हूँ। मेरी आयु 59 वर्ष है तथा मेरी शिक्षा वाणिज्य स्नातक, तत्पश्चात तकनीकी शिक्षा ITI रही है। 10 वर्ष तक भारतीय रेल की सेवा करने के पश्चात मैंने त्यागपत्र देकर के अपना व्यवसाय आरंभ किया है। वर्तमान में मैं दाल मिल के लिए यंत्रों का निर्माण करता हूँ।
पिछले 35 वर्षों से मैं कटनी आर्य समाज से जुड़ा रहा हूं तथा वैदिक वातावरण में पला बढ़ा हूं। मेरा पूरा परिवार वैदिक वातावरण में रच बस गया है। मेरे बच्चे तथा मेरी पत्नी तथा मेरा संयुक्त परिवार पूरे वैदिक वातावरण में रचा बसा हुआ है। आचार्य ईश्वरानंद जी के संपर्क में आने के पश्चात तथा इस ध्यान कुंज आश्रम परियोजना को समझने के पश्चात मेरा मन बहुत उत्साहित है तथा मैं इससे जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ तथा मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जो ये कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस मूल मंत्र को कोई विश्व की कोई दूसरी संस्कृति नहीं कहती है। हमारा यह नैतिक दायित्व है कि हम इस वैदिक संस्कृति के वाहक बने तथा अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए तैयार करें तथा उन्हें आश्रम के वातावरण से परिचित कराएं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय बहुत उज्ज्वल है तथा पूरा विश्व में एक वैश्विक परिवर्तन के संकेत प्राप्त हो रहे हैं तथा पूरा विश्व हमारे देश की ओर, हमारी संस्कृति की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। तो हमें इस अवसर का अवश्य लाभ उठाना चाहिए। ध्यान कुंज आश्रम परियोजना से जुड़ करके हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं तथा अपने परिवार को सिखा सकते हैं, अपने बालक बालिकाओं को, अपने युवाओं को सिखा सकते हैं, जिससे कि वे आगे चल करके आने वाले समय में इस संस्कृति के वाहक बनेंगे तथा संस्कृति को और आगे लेकर के जाएंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसमें अवश्य जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। आप सभी का सादर अभिवादन, सादर नमस्ते जी। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पर